नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें दिल की सीजन 3। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। बहुत जरूरी है कि हम सब की जिंदगी में मेंटल और इमोशनल वेलनेस हो, खासकर जिस तरह से स्ट्रेस, परेशानियां, तनाव हम सब की जिंदगी में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हम सब के लिए जरूरी है अपनी इमोशनल और मेंटल हेल्थ का वैसे ही ख्याल रखना जैसे हम अपनी फिजिकल हेल्थ का रखते हैं। और इसी मकसद से स्लीवेल फाउंडेशन और संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ ने ये इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है बातें दिल की। पहले दो सीजन्स आप लोग देख चुके हैं और अब चल रहा है बातें दिल की सीजन 3। इस सीजन में हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं काउंसलिंग पर, क्योंकि अक्सर जब हम अपने को बहुत सारी परेशानियों से और तनाव से घिरा हुआ पाते हैं और हमें लगता है कि उन परेशानियों का सलूशन हमें अपनों से, फैमिली या फ्रेंड से बात करके नहीं मिल पा रहा है, तो हमें समझ नहीं आता कि हम किससे बात करें, कहाँ जाएं। बहुत बार लोग हमें सलाह देते हैं कि काउंसलिंग के लिए जाओ। तो अभी तक बातें दिल की के सफर पर हमने समझा कि काउंसलिंग क्या होती है, कब और क्यों हमें काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, एक अच्छे काउंसलर की पहचान क्या होती है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी हमारी सोसाइटी में काउंसलिंग को लेकर बहुत टैबू है। लोग जाना नहीं चाहते किसी काउंसलर के पास, बहुत हिचक होती है कि अपनी प्रॉब्लम्स किसी बाहर वाले से कैसे डिस्कस करें। तो इन सारी जो एक गलत फहमियां हैं या जो हमारी सोच है, जो धारणा है, उसके बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रही है संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ से वॉलंटियर काउंसलर नीलम अग्रवाल। नीलम, सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे, जिन लोगों को नहीं पता है या जो कभी किसी काउंसलिंग के लिए नहीं गए हैं, काउंसलर के पास नहीं गए हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है अपनी प्रॉब्लम्स लेकर, वो प्रॉब्लम्स ज्यादातर बहुत बहुत पर्सनल होती हैं, कई बार बहुत डार्क होती है वो स्टोरी, तो वो काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे शुरू होता है, क्या करते हैं आप लोग? कोई भी व्यक्ति जब कोई परेशानी में होता है, तो परेशानी कुछ भी हो सकती है, जैसे आपने कहा कि कोई बहुत गहरी परेशानी है, कोई डार्क फेस से गुजर रहा है, या कोई घबराहट भी हो सकती है जो लगातार चले जा रही है, कोई रिश्ते में कोई तनाव हो, तो कोई भी जब परेशानी लेके जब कोई काउंसलिंग में आता है, तो उसे वो एक सेफ, कोई एक बहुत ही सुरक्षित जगह जो मिलती है एक ट्रेंड काउंसलर के साथ, वो अपनी बात खुल के कह पाता है, कई बार सुन पाता है। और जब वो सुन पाता है, तो जो परेशानी उसको लग रही थी कि उसका तो कोई हल हो ही नहीं सकता, उसमें वो बातचीत के दौरान कुछ एक स्ट्रेंथ नजर आने लग जाती है कि अच्छा, ये मैं कर सकता हूँ। तो जो बातचीत होती है सेफ एनवायरनमेंट में, एक तो उसका मन हल्का होता है, दूसरा एक हिम्मत सी आ जाती है कि शायद मैं अपनी प्रॉब्लम्स को कोई इफेक्टिव वे में हैंडल कर पाऊंगा फ्यूचर में। तो सिंपल अगर डेफिनेशन कहूं काउंसलिंग का, तो यही है, एम्पावर्ड फील करता है, हिम्मत फील करता है अपने अंदर, इसका कोई शायद तोड़ है। अगर ये इतना सिंपल है, तो लोग क्यों हिचकिचाते हैं आपके पास आने से या किसी भी काउंसलर के पास जाने से? आजकल जागरूकता बहुत हो रही है, आप देख रहे हो इंटरनेट पे या इंस्टाग्राम पे या और पेपर्स में भी, गवर्नमेंट भी बहुत प्रमोट कर रही है मेंटल हेल्थ को, लेकिन उसके बावजूद बहुत हमारे मन में कई हिचक हैं जिसकी वजह से हम काउंसलिंग नहीं लेने आते। और ये हर वर्ग में है, ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोग लेते हैं या जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो नहीं आते। तो आज मैं इस हिचक को जो हम बात करेंगे उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूं। एक तो कि धारणाएं हमारे मन में कई आवाजें हैं जो आती है, जो मैंने कहीं सुनी है, समझी है, सोसाइटी में कई बार लोग बात करते हैं, उसी वजह से मैं काउंसलिंग लेने में हिचकिचाती हूँ। दूसरी, परिवार वाले, हमारे दोस्त हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोचेंगे, उनका पर्सपेक्टिव क्या है। तीसरा, जो कि काउंसलिंग का प्रोसेस जो है उसके अराउंड भी कुछ हमारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जब हम नहीं क्लियर होता, तो वो भी कई बार हमें रोकता है कि मैं काउंसलिंग लू कि नहीं, वो डिसीजन बनाने में उस पे भी फर्क पड़ता है। ये 3 चीजों में डिवाइडेड है। पहली, सबसे पहली धारणा, जो कि बहुत आप भी देखोगे कॉमन दिखाई देती है अपने अराउंड, कि काउंसलिंग केवल बहुत क्राइसिस या सिवियर प्रॉब्लम के लिए है, या जो भी कोई मानसिक बीमारी से गुजर रहा है उसकी काउंसलिंग कराओ, मैं क्यों जाऊं काउंसलिंग। तो हाल ही में मेरी एक दोस्त ने भी फोन किया, तो जब हालचाल पूछा तो बड़ी परेशान थी, अरे मेरी तो रातों की नींद ही उड़ गई है, मैंने तो सोच लिया कि 6-7 साल तो जब तक मेरा बेटा बड़ा नहीं हो जाता, 19-20 का नहीं हो जाता, मैं तो सोने वाली नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता। तो मैंने जब पूछा क्या हुआ, टीनेज है, तुझे तो पता ही है कि टीनेज है तो इश्यूज भी होंगे, उससे मेरा मूड खराब होता है, झगड़े घर में होते हैं, लेकिन ये रोज हो रहा है, लेकिन फिर मैं उसके लिए क्या काउंसलिंग लूं, कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है, तो है। तो ये तो नॉर्मल है, सबके घर में होता है। तो ये धारणा मन में रहती है कि नॉर्मल है, ये तो लाइफ की इश्यू है, सबको होती है, मैं क्यों जाऊं काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पर ऋचा मैं ये कहूंगी कि ये तो एक मिथ है। अगर फैक्ट ये है कि कोई भी परेशानी, बहुत बड़ी क्राइसिस हो
या कोई बहुत एक छोटा सा दर्द भी हो वो भी काउंसलिंग में लाया जा सकता है। देखिए, या तो आपकी ट्रंक फ्रैक्चर हो गई है, वो तो बहुत बड़ी क्राइसिस है, और या वो एक दर्द है जो कई बार जूतों में कनकन नहीं अटक जाता, वो दर्द जो हल्का हल्का दर्द होते रहता है कंटिन्यूअस, उस दर्द के समान है, और कई बार हमें पता नहीं चलता कि वो दर्द कहाँ कहाँ मेरी लाइफ में परेशान कर रहा है, मुझे तंग कर रहा है, और शायद मेरी चाल को धीमे भी कर रहा है। और इमेजिन करो कि अगर वो आप रुक के वो कंकड़ को देख लो, निकाल लो, तो कितना मुझे आराम आ जाएगा, शायद मेरी मैं आगे तक जा पाऊं। तो वो दर्द जो है, अगर हम इसको इमोशनल प्रॉब्लम में देखें, वो दर्द लगता छोटा सा है, लेकिन अगर वो मेरी लाइफ के कई फेज में कई जगह पे वो आ रहा है, तो उसके देखने की जरूरत है। तो प्रॉब्लम बड़ी या छोटी नहीं, वो किस तरह तंग कर रही है उस पर डिपेंड करता है कि आप काउंसलिंग के लिए आए या ना आए। कितनी अच्छी बात कही आपने, चाहे कंकड़ कहिए या कांटा कहिए, अगर हम उसको उस पैर में वहां घुसे रहने दें तो धीरे 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 एक जख्म कर देगा, वो जख्म बड़ा हो जाएगा, तब उसे बड़े इलाज की जरूरत होगी। अगर हम एक अर्ली स्टेज में ये समझ जाएं कि हमारी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और तभी काउंसलिंग ले लें, तो एक बहुत बड़ी हम मेंटल हेल्थ इशू से शायद बच भी सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। नीलम जी, जब धारणाएं की बात हो रही है ना, तो दो चीजें लगती है लोगों को, एक तो जैसे आपने भी कहा एक डिनायल रहती है, कह रहे हमें काउंसलिंग की जरूरत नहीं, ये तो नॉर्मल है, या कई बार घर के बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, कह रहे ये तो सबकी जिंदगी में होता है, इसमें कौन सी, इसमें काउंसलिंग की क्या जरूरत पड़ गई। डिनायल के साथ साथ एक व्यक्ति को ये डर भी होता है कि अगर मैं काउंसलर के पास चला गया या चली गई, तो इसका मतलब है मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद नहीं संभाल सकती, और आगे मैं काउंसलर के ऊपर डिपेंड करने लगूंगी, तो मेरी वो जो काबिलियत है अपने स्ट्रेस को खुद डील करने की, वो मैं नहीं कर पाऊंगी आगे। सो ये बिल्कुल सही है ऋचा, ऐसा ये थॉट और ये मिथ भी है, बहुत मिथ भी नहीं कहूंगी, ये डर मन में तो लगा ही रहता है, एंड ये बिल्कुल हो सकता है। एक मन में एक थॉट आता है, ये ख्याल आता है कि मेरी जो हिम्मत थी क्या वो कम हो गई है, क्या मेरी एबिलिटी क्या कम हो गई है, क्या मैं अब हर डिसीजन के लिए क्या काउंसलर के पास जाऊंगी, लाइफ में तो प्रॉब्लम आएगी, फिर मैं क्या छोटे मोटे डिसीजन सबको मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी, तो ये सारा मन में ख्याल आता है। लेकिन मैं ये कहूंगी काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो एक दायरे में होता है, वो हफ्ते में हम एक बार क्लाइंट से 45 मिनट्स टू 1 आवर को मिलते हैं। ऐसा नहीं होता कि जब मन चाह झट से फोन उठा लिया और काउंसलर से बात कर ली और सोल्यूशन निकाल लिया। जो व्यक्ति आता है काउंसलिंग के लिए, वो हफ्ते में जब एक बार आता है, और जब दूसरे हफ्ते तक उसके बीच में जो भी उस क्लाइंट को परेशानी हो रही है, कुछ डिसीजन बनाना है, कुछ ऐसे भाव आ रहे हैं, तो वो अपनी सूझबूझ के साथ और कोई नई सोच जो काउंसलिंग में शायद समझी उसको यूज करता है, अप्लाई करता है और अपने डिसीजंस लेता है। तो काउंसलिंग से सिर्फ ये फर्क होता है कि वो काउंसलर के साथ थोड़ा दूर बैठकर उनके साथ अपनी लाइफ को देख पाता है, एक पॉज लेकर, और ये समझ पाता है कि अच्छा ये हुआ, उससे शायद मेरे व्यवहार में ऐसे आया, मैंने ऐसे रिएक्ट किया, उसका नतीजा क्या हुआ। तो ये सारी चीजें जब वो बहुत क्लियरली देखता है उसी बातचीत के दौरान, तो कई ऐसे स्किल्स डेवलप कर लेता है कि वो उसके लिए वो एक स्किल फॉर लाइफ बन जाती है, जो कि बाद में भी काउंसलिंग सेशंस खत्म हो जाने के बाद भी जब कोई परेशानी आए तो कई बार उसको यूज करके काफी आराम लगता है उसको, हमेशा का फायदा एक टूल बॉक्स में एक टूल आ जाता है उसके लिए। तो ये एक धारणा है कि मैं डिपेंडेंट हो जाऊंगी, ऐसा होता नहीं है। आपके पास बहुत सारे जब क्लाइंट्स आते होंगे तो जाहिर सी बात है वो पहले बताते होंगे कि उन्होंने आने में देर क्यों कर दी, या कौन कौन से फैक्टर्स थे जो उन्हें रोक रहे थे, तो और क्या क्या वजहें लोग बताते हैं जो उन्हें रोकती है आपके पास आने से। एक जो बहुत बार मुझे दिखाई देता है या कई लोग बोलते हैं, ये तो घर की बात है, ये क्या मैं बाहर बताऊं, घर वालों से कहीं तनाव है या घर वालों से कोई कुछ ऐसा मन मुटाव चल रहा है, वो मुझे इतना प्यार करते हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं शिकायत लगा रही हूँ उनकी, तो मैं क्यों बात। हमारी इंडियन सोसाइटी की कंडीशनिंग भी है कि घर की बात बाहर नहीं बोलते, खुद को डिसलॉयल लगता है कि मैं कहीं एक लॉयल्टी पे अपने क्वेश्चन आने लगता है कि मैं कहीं डिसलॉयल तो नहीं हो रही, कोई बिट्रे तो नहीं कर रही, गलत तो नहीं कर रही, क्योंकि इस तरह की हमारी कंडीशनिंग हुई भी है कि घर की बात बाहर थोड़ी करनी चाहिए। तो यहाँ मैं ये कहूंगी जो व्यक्ति आता है काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग में उसका एक्सपीरियंस जो है, वो जो महसूस कर रहा है, वो मैटर करता है उस काउंसलर के लिए, वो इम्पोर्टेंट है और वैलिड है। तो काउंसलर उसके एक्सपीरियंस को सुनकर नतीजा निकाल पाता है या उसको समझ आती है, उस पे काम करते हैं, ना कि फैमिली की कोई जजमेंट होती है। फैमिली को वहां बैठ के ये हम नहीं सोचते कि फैमिली शायद ऐसा कर रही है या वो गलत कर रहे हैं, हमारा फोकस पर्सन पे रहता है जो हमारे पास आता है और उसका एक्सपीरियंस वैलिड। और दूसरा, शायद आपने पहले भी सुना है कि ये जो स्पेस है
ये बिल्कुल सेफ है, कॉन्फिडेंशियल है, तो जो भी बातचीत होगी वो हमारे बीच में ही रहेगी, तो उस बात का भी एक मन में जो डर है वो भी शायद कम हो जाए। और अब एक और इसका पहलू है ऋचा, कि सपोजिटली मैंने बात नहीं करी, कि ये सोचा कि भाई फैमिली की बात है मैं तो नहीं करूंगा, और लेकिन जो भावनाएं हैं वो तो रहेंगी, जो गुस्सा है सपोजिटली किसी के प्रति वो तो कहीं नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं मेरे व्यवहार में आएगा ही। तो मान लीजिए अगर मुझे अपने भाई से कोई दिक्कत हो रही है, उसके साथ कुछ मेरा चल रहा है मनमुटाव, तो मैं जाके अपनी मम्मी को कुछ कहती हूँ उसके बारे में, फिर मेरे मम्मी के मन में उसके बारे में कुछ आता है, वो उसको कुछ कहती है, तो एक जैसे पोल्यूटेड सी हवा इर्द गिर्द घूमते ही रहती है उस परिवार में, जिससे शायद रिलेशनशिप और थोड़े खराब हो। तो कई बार काउंसलिंग जो कहते हैं ना कि एग्जॉस्ट पाइप का काम करता है, कहीं यू नो कहीं रिलीज मिलता है उसके उसके भावों को, उसकी वो किसी को बोल पाता है, समझ पाता है। तो आप जब काउंसलिंग लेते हो तो आप डिसलॉयल नहीं हो रहे, क्योंकि वो रिश्ता इम्पोर्टेंट है, इसीलिए शायद आप उसके बारे में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आमतौर पर बिलीफ ये माना जाता है, ऐसा मैंने बहुत लोगों से सुना भी है, कि आदमी चूंकि हमेशा से हमारे यहाँ कंडीशनिंग की गई है ना, आदमी रोते नहीं है, आदमी ऐसे दुखी नहीं होने चाहिए, तो ये भी ऐसा माना जाता है कि काउंसलिंग के लिए भी आदमी नहीं जाना चाहते या नहीं जाते, तो क्या ये धारणा सही है? ये धारणा सही तो बिल्कुल नहीं है। है मेन में ये धारणा कि मैं तो स्ट्रांग हूँ, या मेन में नहीं, कई विमेन में भी है कि मैं अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स हैंडल कर सकता हूँ, या ये भी कई बार सुनते हैं कि अरे प्रॉब्लम है सोल्यूशन निकालो, फीलिंग्स फीलिंग्स में जाने की जरूरत नहीं है, कहाँ पे अटक रहे हो फीलिंग्स में। कई बार ये भी सुनते हैं कि अरे मेरी तो फाइनेंस की इश्यू है, मेरा तो करियर रिलेटेड, मुझे काउंसलिंग चाहिए, मुझे उसमें काउंसलर क्या हेल्प करेगी। तो मेन हो या विमेन, आई थिंक भावनाओं सबको है, रिश्ते सबके पास है, हम सब अटकते हैं, इमोशन सबके रहते हैं, और कई बार शायद वो हैंडल नहीं होते, और जब हैंडल नहीं होते हैं और उनको हम जब नहीं देखते तो उसका कॉस्ट एक बहुत बड़ा पे करना पड़ता है। वो कॉस्ट को हम नहीं देखते कि हमने इतना बड़ा उसका पे किया। मान लीजिए मैं कई दिनों तक बीमार हूँ और मैं कमजोर बहुत हो गई, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि अब आप थोड़ा बहुत अपना जो काम करो, बाथरूम वगैरह जाओ तो वॉकर लेके जाया करो, वॉकर आपको कुछ दिन कर यूज करना होगा। लेकिन मुझे लगता है अरे मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ और मेरे को तो अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हुई, तो मैं बोले नहीं चलो कोशिश करके देखते हैं। उसमें क्या होता है, कई हो सकता है मैं गिर जाऊं, और मैं तो गिरूं लेकिन मैं बाकी परिवार वाले को भी बहुत टेंशन में ले आती हूँ, उनको भी एंगेज कर लेती हूँ, वो भी बिजी हो जाते हैं कि भाई ये कहीं चली ना जाए खुद से उठ के। तो हम जब मदद नहीं लेते तो कई बार परिवार वाले भी बहुत परेशान हो जाते हैं, वो कॉस्ट बहुत बड़ा उनके लिए भी हो जाता है। अगर इमोशनल इश्यू है तो हम काउंसलिंग को एक वॉकर की तरह भी यूज कर सकते हैं, कि अरे कुछ दिन मन कमजोर लग रहा है तो यूज कर ले, एंड जब ठीक हो जाएंगे तो वो चला जाएगा वॉकर भी। मान लीजिए कि आपका कोई बहुत करीब है, समवन रियली क्लोज टू यू इज गोइंग थ्रू सम सुसाइडल थॉट्स, तो आप क्या चाहोगे कि वो स्ट्रांग बने और मदद रीच आउट ना करे आपको या किसी और को, या आप ये चाहोगे कि वो मदद मांग ले ताकि उसका सोल्यूशन निकले। तो जब हम दूसरों की प्रॉब्लम को महत्व दे सकते हैं तो क्यों अपनी को ट्रिवलाइज करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को देखते नहीं या रिस्पेक्ट नहीं देते। स्ट्रॉन्ग का डेफिनेशन जो है आई थिंक थोड़ा बदलना पड़ेगा, ये डेफिनेशन ही कई बार गलत हो जाता है, कि स्ट्रेंथ तो हेल्प मांगने में। लगातार हम लोग ना बात कर रहे हैं पहले एपिसोड से ही कि काउंसलर को नॉन जजमेंटल होना चाहिए, क्लाइंट को लेकर कुछ कोई भी जजमेंट पास नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम उलट देखें तो क्लाइंट जो है वो काउंसलर्स को लेकर बहुत जजमेंट पास कर देते हैं, कि अरे अब मैं तो बहुत यंग हूँ, ये काउंसलर की तो एज बहुत ज्यादा है, ये हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम्स क्या समझेंगे, या अरे ये तो एकदम ये तो बच्ची दिखती है, ये तो शी इज टू यंग, ये कैसे समझेगी कि हमारी लाइफ में कितना स्ट्रेस है। तो काउंसलर्स उस चीज से उस जजमेंट से कैसे डील करते हैं, अरे इसकी तो शादी भी नहीं हुई है, इसको क्या अनुभव है, मुझे तो कोई मैरिज को लेके बात करनी है। जो काउंसलर की ट्रेनिंग होती है वो उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे भावनाओं को समझे, रिफ्लेक्ट करे, सही सवाल कैसे करने हैं, सुनना कैसे है, ये सारी ट्रेनिंग में आता है। तो ये प्रॉपर जब ट्रेंड होते हैं तो फिर उसमें जो वो एक्सपीरियंस वो अनुभव रहा कि नहीं वो ज्यादा मैटर नहीं करता। अब ये भी देखो कि अगर मैं आम जिंदगी की भी बात करूं, मान लीजिए कि आपको एक जॉब में अपनी जॉब में लेके बहुत बड़ा एक स्ट्रेस हो रहा है और एकदम मन में घुटन सी हो रही है, बहुत करीबी दोस्त से मिलने गए और उस दोस्त के साथ आप खुल के बातचीत कर पाए और उन्होंने भी आपकी बात ध्यान से सुनी और समझी, तो आपको कैसा महसूस होगा? अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि अरे मेरी बात किसी ने समझ ली, ये समझ लिया कि मैं कितना परेशान हूँ और कितने प्रॉब्लम में हूँ,
हो सकता है कि फ्रेंड का सेम एक्सपीरियंस ना रहा हो, सेम अनुभव ना रहा हो, ऑफिस में उसका ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर भी क्योंकि उन्होंने ध्यान से सुना। और जब भावनाओं से कनेक्ट करते हैं तो ये जो जेंडर है, मेल है फीमेल है, शादी हुई कि नहीं, एज क्या है, उसके मायने नहीं रह जाते। एक तो वो ट्रेंड है और फिर भावनाओं से जब हम कनेक्ट करते हैं, तो ये दो चीज बहुत रेलेवेंट है इसमें। ये वाली सोच हटाना लोगों के दिमाग से बहुत आसान नहीं है, और वो सोच ये, क्योंकि हम इंडियन सोसाइटी वाले हम लोग जो हैं कि मेरे पास एक पूरा एक भरा पूरा परिवार है, फैमिली है, मेरे दोस्त हैं, तो मैं इन सब से ही क्यों ना अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लूं, मुझे क्यों जाना है काउंसलर के पास। कई बार तो ये भी सुनने को मिलता है ऋचा कि अरे मैं तो खुल के बता देती हूँ सबको अपनी बात, मैं तो कुछ नहीं छुपाती, और मैं बिल्कुल बोल के मेरा बिल्कुल मन हल्का हो जाता है, या मैं तो बिल्कुल ओपन बुक। ये बहुत बार सुनने को मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। खासकर आपने जैसे कहा कि इंडियन सोसाइटी में है, परिवार है, और अगर वो स्पेस है आपके लिए कि आप अपनी बात बिना झिझक के बता सकते हैं, बोल सकते हैं, और कोई सामने वाला सुन रहा है नॉन जजमेंटली, आपको आपको वो स्पेस दे रहा है, उसी बातचीत के दौरान आपको कोई सोल्यूशन मिल रहा है, तो बेशक यू नो स्टे विद दैट। और वो सपोर्ट बहुत मुश्किल है मिलना, लेकिन अगर कहीं लग रहा है कि मैं बातचीत तो हो रही है मेरी, मैं बात भी कर रही हूँ और कई बार कर ली, लेकिन कुछ है जो अटक रहा है मन में, हल्का मन हो रहा है लेकिन सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, कहीं फिर जाके दोबारा उसी प्रॉब्लम में मैं फंस जा रही हूँ, तब आप रीच आउट कर सकते हो, एक दूसरा पर्सपेक्टिव ले सकते हो, क्योंकि जो काउंसलर होता है वो इस फैमिली के एक अम्ब्रेला से थोड़ा अलग होता है, तो एक दूसरा पर्सपेक्टिव आप गेन कर सकते हो। अगर लगे कि सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, कुछ है जो अभी भी अटक रहा है मन में, कोई काउंसलिंग के लिए चलिए आ भी गया, या तो खुद ऐसा लग रहा है कि भाई अब प्रॉब्लम्स डील नहीं हो रहे हैं, या फैमिली ने पुश कर दिया, फ्रेंड्स ने पुश कर दिया कि नहीं 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 तुमको जाना चाहिए, उसके बाद भी बहुत रेजिस्टेंस रहती है। आप देखती हैं कई बार किसी क्लाइंट के साथ कि ओपन अप नहीं कर रहे हैं आसानी से, क्योंकि वही सब जो जितने हम सवाल तब से डिस्कस कर रहे हैं वो मन में चल रहे हैं, वो एक बार में तो नहीं जाते। तो होता है ऐसा, क्योंकि हेल्प लेना आसान नहीं, तो हिचकिचाहट तो बिल्कुल रहेगी, और क्या बोलूंगा, क्योंकि कई बार लोगों ने मुझसे पूछा भी है, अच्छा मैं क्या बात करूंगा, कैसे शुरुआत करूं, मुझे खुद को नहीं पता कि प्रॉब्लम है कहां, मैं तो खुद ही कंफ्यूज्ड हूं, मैं क्या बताऊं। तो यहाँ पर मैं दो चीजें कहूंगी, कई लोगों को प्रिपेयर्ड होके जाना बड़ा अच्छा लगता है, तो अगर आपको थोड़ी प्रिपरेशन करनी है जिससे आपको थोड़ा सा मन शांत हो, तो आप नोट कर लें 3-4 एरियाज जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो, तो वो एरियाज नोट कर लो कि मैं इस बारे में काउंसलिंग में सबसे पहले शुरुआत करूंगा बात करने की। और कई बार ये भी होता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आई एम रियली कंफ्यूज्ड वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, मैं ये कहूंगी आप इससे भी शुरुआत कर सकते हो, काउंसलर के पास जाके कह सकते हो कि आई एम रियली कंफ्यूज्ड, आई डोंट नो वेयर टू, मैं कहां से शुरू करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर काउंसलर आपको, क्योंकि उसको एक ट्रेनिंग दी गई है, वो आपसे सवाल करेगी दो तीन, वो शुरुआत फिर वहीं से हो जाएगी। एक मौका देने की जरूरत है, फिर जब उस माहौल में आते हैं तो कुछ ना कुछ इस तरह के उपाय निकल आते हैं। एंड अगेन हर पर्सन के लिए एक्सपीरियंस अलग होगा, कई लोगों को हिचक थोड़ी ट्रस्ट बिल्ड करने में ज्यादा समय लगेगा, कई लोग जल्दी खुल जाते हैं, तो अलग अलग एक्सपीरियंस सबका रहेगा, लेकिन एक शुरुआत जो है उसमें कुछ प्रिपेयरनेस आप अपनी तरफ से कर सकते हो। इतने सारे जो मिथ्स हैं या धारणाएं हैं, उनसे लड़कर या उन पर काबू पाकर कोई जब आपके पास आता है काउंसलिंग के लिए, और फिर आपने जैसे सबसे शुरू में कहा एक प्रोसेस शुरू होता है, कितना फर्क दिखता है नीलम जी, क्या होता है उसके बाद? आपके लिए कैसा रहा, किसी और को क्या अनुभव रहे, किसी तीसरे को किस तरह की मदद मिली, वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। एक छोटी सी कहानी को शेयर करूंगी, जिस व्यक्ति के मन में भी यही कुछ सवाल थे काउंसलिंग में आने के पहले, लेकिन उन्होंने प्रोसेस शुरू किया, और वो प्रोसेस शुरू होने के बाद कई बदलाव उनको दिखाई देने लगे। एक नौजवान है, अपने लेट 20s में है, गांव को बिलोंग करता है, और अभी शहर में कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और साथ में अपना खर्चा निकालने के लिए ट्यूशन पढ़ाता है। कुछ महीनों पहले उसकी शादी हुई, और शादी के लिए बड़ा उत्सुक था, वाइफ को शहर लेके आया, तो उन्होंने नोटिस किया कि उनकी वाइफ का बिहेवियर कुछ स्ट्रेंज है, वो उसका जो सोने उठने का रूटीन है, या कुछ जो बोलती है, या उसका व्यवहार है,
उसे कुछ सही नहीं लगा, नॉर्मल नहीं लगा, तो वो डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर से पता चला कि कई सालों से उनको मानसिक एक बीमारी है, उनको दवा खानी पड़ेगी और बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति को, नौजवान को बड़ा शॉक लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि ठीक है मैं कोशिश करके सब मैनेज कर लूंगा, लेकिन नहीं हो पाया। तो उन्होंने अपनी वाइफ को गाँव छोड़ा अपने पेरेंट्स के पास। उस समय से उनको मन में बहुत एक घबराहट सी है, मन नहीं लग रहा, बिल्कुल ट्यूशन तो बिल्कुल बंद ही कर दिए, पढ़ाई की परफॉर्मेंस भी गड़बड़ हो रही है। तब उन्होंने मदद के लिए रीच आउट किया। और रिचा, ये जो नौजवान है, इनके शायद आसपास परिवार में किसी ने भी शायद काउंसलिंग का शब्द भी नहीं सुना होगा। तो जब काउंसलिंग में बातचीत हुई, वो खुल के अपनी बात कह पाए, अपनी भावनाओं को प्रकट कर पाए, उस बीमारी के बारे में पूरा डिटेल में समझ पाए कि बीमारी हुई क्या है, तो धीरे धीरे एक तो उनका गुस्सा जो कि बहुत ज्यादा परिवार के प्रति था वो कम हो गया। जब बीमारी के बारे में जाना और ये देखा कि मैं पढ़ा लिखा होके भी बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता था, तो ये तो मेरे घर वाले हैं जो कि गांव में है, उनको क्या पता होगा, जो पहले ऐसे था बीमार लड़की से शादी कर दी और मेरा तो उनको मतलब ही नहीं है, फोन कॉल्स लेना बंद कर दिया, वो कहीं धीरे धीरे बदलने लगा, उनसे फिर से कनेक्शन बनने लगा। दूसरा ये कि जो एक मन में इतनी आत्मगिलानी थी कि मैंने अपनी जो मेरी जो जिम्मेदारी थी मैं गांव छोड़ाया, ये तो मुझे देखना था, मैं अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ, मैंने जो किया गलत किया, जब ये समझा कि ये डिसीजन जो मैंने उनको वहां छोड़ देने का, वो शायद दोनों के लिए फायदेमंद रहा, नहीं तो परेशानी और बढ़ जाती उसके लिए भी और मेरे लिए भी, तब वो आत्मगिलानी भी थोड़ी कम हो गई। फाइनेंसेस जो थे, क्योंकि ट्यूशन बंद हो गए थे वो फिर से दोबारा चालू हुए, तो फाइनेंसेस में भी काफी कुछ थोड़ा सा मैनेजेबल हो गया, पढ़ाई ठीक होने लगी। और जो सबसे बड़ी बात, जो हिम्मत बिल्कुल टूट गई थी, कॉन्फिडेंस जैसे हिल ही गया था, वो कहीं थोड़ा थोड़ा दोबारा से महसूस करने लगे। और सपोर्ट सिस्टम अपना, जो अगल बगल के दोस्त थे उनके साथ कॉन्टेक्ट फिर से दोबारा से शुरू हुआ। ये कुछ क्षेत्र में उनके बदलाव हुए। जैसे कहते हैं ना कि रिश्ता जो है वो उसमें थोड़ा समय लगता है, हो सकता है कि पहला एक्सपीरियंस जो फर्स्ट सेशन है उसमें वो ट्रस्ट बिल्ट ना हो। मैं ये नहीं कहूंगी कि पहला ही सेशन में एक ट्रस्ट बिल्ट हो जाएगा, तो जैसे हर रिश्ते में समय लगता है, इस रिश्ते में भी शायद समय लगे, लेकिन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। जितना वो डरावना दूर से दिखता है वो प्रोसेस, इतना डरावना नहीं है। और जब ट्राई करेंगे तो उसका बिल्कुल विपरीत महसूस होगा कि अरे इतने दिन से मैं क्यों नहीं, मैंने क्यों नहीं रीच आउट किया। देखिए बहुत सही बात है। मुझे लगता है आप लोग जो लोग लगातार हमें फॉलो कर रहे हैं हमारे इस कॉन्वर्सेशन को, समझ पा रहे होंगे कि अगर किसी भी परेशानी से हम जूझ रहे हैं तो बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। और ये जो सोच है, जो धारणाएं हैं, आसपास के लोगों के ओपिनियन है, उससे हमें बाहर निकलना होगा। एक बार वो हिम्मत अपने अंदर लानी होगी, किसी काउंसलर से मदद मांगे, और फिर हम शायद खुद महसूस कर सकते हैं कि हमारी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आया है। मैं ये जरूर कहूंगी कि है धारणाएं हैं, बहुत सारी प्री कंसीव्ड हमारे दिमाग में आवाजें हैं, तो कोशिश करके उन आवाजों को थोड़ा चैलेंज करें। जो मैंने पहले भी कहा, ये प्रोसेस इतना डर वाली बात नहीं है, डू रीच आउट अगर लगे की जरूरत है तो। थैंक यू सो मच नीलम जी। और लगातार हमने बात की काउंसलिंग की, अब ये भी समझना बहुत जरूरी है कि किस किस तरह से रिश्तों में अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स उठती हैं, जिसका सीधा असर पड़ता है हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स एट वर्क प्लेस, कैसे हमारे काम की जगह पर, दफ्तर में कैसे हमारे रिश्ते बनते बिगड़ते हैं, जिनका सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, और कैसे हम खुद को उससे बचा सकते हैं। तो जुड़े रहिए बातें दिल की सीजन 3 के सफर पर हमारे साथ। यकीन जानिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां मिलेंगी जिससे आपको बहुत फायदा हो सकता है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, और थैंक यू नीलम जी फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू रिचा।